हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास इंग्लिश ग्रामर में आज हम क्लास 3 की ग्रामर की क्विज लेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सके। शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस। रेनू डैश अ ब्यूटीफुल पिक्चर। सर विल बी पेंटेड, क्योंकि पेंटेड पास्ट टेंस है। पेंट में ईडी लगा करके पास्ट टेंस बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग डैश द बैटल ब्रेवली। द किंग फॉट द बैटल ब्रेवली। फाइट का पास्ट टेंस फॉट। दे डैश द बॉल इनटू द बास्केट। They threw the ball into the basket. Past tense of throw is threw. Throw का past tense threw होता है. Next, the bird dashed out of the cage. The bird flew out of the cage. Fly का past tense flew. They dashed the birds. They fed the birds. Feed का fed होता है past tense. Next section है choose the correct article. First question है Ramesh is dash honest boy. Ramesh is an honest boy क्योंकि H is silent. In honest H is silent and we pronounce it as honest, not honest. And O is a vowel. That avocado you ate was rotten. यहाँ पर आंसर द आएगा, द एवोकाडो, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं उस एवोकाडो को वो रॉटन था, इसलिए यहाँ पे द लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे हैड डैश अमेजिंग ट्रिप यस्टरडे। आंसर विल बी They had an amazing trip yesterday. यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि amazing में ए जो है वो vowel sound प्रोड्यूस कर रहा है, और vowel sound जब कोई letter प्रोड्यूस करता है तो उसके पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, द मॉल वॉज क्लोज डैश आई कुड नॉट बाई अ ड्रेस। Answer will be the mall was closed, so I could not buy a dress. So इसीलिए आया, क्योंकि हम reason बता रहे हैं। Riya became sad that she lost her story book. Answer is because. Next, Rayan is strong that Nikki is weak. Rayan is strong but Nikki is weak. Pratik studies hard dash does well in class. Yes, answer will be and. कि हम प्रतीक की ही बात कर रहे हैं। मोहन eats berries dash hates grapes. Will be but, क्योंकि हम यहाँ berries और grapes में compare कर रहे हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब्स। रितु डैश अ प्रिटी येलो ड्रेस। रितु हैज अ प्रिटी येलो ड्रेस, क्योंकि रितु सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश लर्निंग टू प्ले द कीबोर्ड। यहाँ पे यू के साथ आर आएगा, क्योंकि यू को हम प्लूरल नाउन मानते हैं। वी डैश अटेंडिंग अ सेशन ऑफ रोबोटिक्स इन द मॉर्निंग। वी आर अटेंडिंग अ सेशन ऑन रोबोटिक्स इन द मॉर्निंग। वी प्लूरल नाउन है इसलिए आर। मायरा डैश अ लेटर टू हर मदर। मायरा राइट्स अ लेटर टू हर मदर, क्योंकि मायरा सिंगुलर नाउन है, प्लूरल वर्ब।
water does at 0 degree Celsius? Water freezes at 0 degree Celsius. You dash the wet waste in the dustbin. You throw आएगा क्योंकि you को हम plural noun कहते हैं. They dash tired and sleepy yesterday. Yes. They were tired and sleepy yesterday. हम कल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए were लगेगा. Next है हमारा adverbs. Choose the correct adverb. चलिए जानते हैं कि adverbs क्या है. Short में एक definition. What are adverbs? Word that describe verbs. जो verb को describe करते हैं उसे हम adverb कहते हैं. जब हम किसी action word को describe करते हैं तो वहाँ पे हम उसे adverb कहते हैं. Most adverb are formed by adding ly to the adjective. Adjective में ly लगाकर ही हम उसे adverb बना लेते हैं. Choose the correct adverbs. The Toto is walked dash on the shore. The Toto is walked slowly on the shore. और यहाँ पे slow adjective है, उसमें हमने ly लगाया और वो बन गया adverb. The crowd cheered dash for the winning team. The crowd cheered loudly for the winning team. जोर से हम जब किसी को appreciate करते हैं तो जोर जोर से चिल्ला के करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे आएगा loudly. My nephew waited dash for me to bring her birthday present. My nephew waited eagerly for me to bring her birthday present. मतलब eagerly मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं ना किसी का, तो इसलिए यहाँ पे आएगा eagerly. The jewelry shone dash in the dark room. The jewelry shone brightly in the dark room. कोई भी ज्वेलरी हो अगर उसमें ऐसा कुछ स्टोन लगा हुआ है तो चमकता है ना brightly, इसलिए brightly. The boy played dash with his friends. The boy played happily with his friends. वो लड़का अपने फ्रेंड के साथ खुशी खुशी खेल रहा था, इसीलिए आया happily. वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं. हमने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो ज़रूर देखें. और आप हमारे शॉर्ट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बच्चों से ज़रूर कराएं, क्योंकि हम ओलंपियाड के लिए भी बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.